क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इफ द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल इज 84 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द हॉल। अच्छा, एक आपका रेक्टेंगुलर हॉल होगा, उसका बेस रेक्टेंगुलर होगा ना, फ्लोर का इसका एरिया दिया हुआ है 84 मीटर स्क्वायर। अच्छा, हम लोग एक काम करते हैं, इसके ब्रेथ को एक्स ले लेते हैं और लेंथ क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस फाइव ना हो जाएगा, या अगर हम लोग लेंथ को एक्स लेते हैं तो ये एक्स माइनस का फाइव हो जाएगा, ब्रेथ आपका एक्स माइनस का फाइव हो जाएगा, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ हॉल इक्वल टू में एक्स मीटर एंड लेंथ ऑफ हॉल, हॉल का लेंथ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस फाइव मीटर, क्योंकि क्या कह रहा है कि लेंथ जो है 5 मीटर मोर है ब्रेथ से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ हॉल दिया हुआ है, एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ द हॉल ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ द हॉल कितना दिया हुआ है, 84 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ ना, यानी एक्स प्लस फाइव इंटू में एक्स इक्वल टू में 84। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, और इसको इधर आते हैं माइनस का 84 इक्वल टू में 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 7x माइनस 84 इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5x और इंटू होगा तो इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा, कॉमन करते हैं तो हम एक्स कॉमन करते हैं, एक्स प्लस का 12 आ जाएगा, माइनस 7 कॉमन करते हैं एक्स प्लस का 12 आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट में सेम है, एक्स प्लस 2 को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ एक्स और यहाँ माइनस 7 इक्वल टू 0, अलग अलग कर देंगे, एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू माइनस का 12 और एक्स का वैल्यू 7। यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, किसी भी चीज़ का लेंथ जो होगा वो निगेटिव में तो होगा नहीं, यानी कि x का वैल्यू हम लोग 7 लेंगे, तो x का वैल्यू 7 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रेथ ऑफ द हॉल क्या हो जाएगा आपका, 7 मीटर हो जाएगा, एंड लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द हॉल क्या था आपका, x प्लस का 5 था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस का 5, यानी 12 मीटर हो जाएगा। समझ गए, क्वेश्चन नंबर 3।